टीसी रावलपिंडी ने लियाकत बाग में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में पीटीआई के 25 रहनुमाओं के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर बताइएगा कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं जिनके वारंट जारी किए गए हैं। जी अली देखें, ये पीटीआई का 28 सितंबर को लियाकत बाग में एहतजाज हुआ था, उसके पेश नजर रावलपिंडी पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए थे। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की से दो मुकदमात में 25 नामजद मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी बिला जमानती हासिल कर लिए हैं। बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी थाना न्यू टाउन और वारस खान में दर्ज मुकदमात में हासिल किए गए हैं। बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आलिया हमजा के, आमिर मुगल के, शहरियार रियाज के, कर्नल रिटायर्ड अकबल साबर के, सबक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज के, सदर पीटीआई पिंडी चौधरी अमीर अफजल के, उमर तनवीर भट्ट के हासिल किए गए, जबकि खलीक जियाद कियानी, तैमूर मसूद के भी नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। अदालत ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके 21 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस ने बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के बाद गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए और इन मुलजमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। जी बहुत शुक्रिया ताहिर।